तुम्हारे हाई हाई नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू रुमारे हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लग दे हुलारे। हेलो एवरीवन, आज मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि न्यूटन रैप्सन मेथड में मोस्ट प्रिसाइज आंसर आप मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन में कैसे पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। कोई भी कैलकुलेटर हो यही प्रोसेस होगा, लगभग किसी में बदल भी सकता है। सो लेट्स सी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करना है तो जो उसका जनरल फार्मूला होता है वो आप पहले देख लो। तो यही होता है न्यूटन रैप्सन का जनरल फार्मूला कि अगर आपको अगला इटरेशन चाहिए एक्स एन प्लस वन तो उसके लिए आपको एक्स एन प्लस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन निकालना होता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आपको एक्स एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बुक्स में तो ये रेंडमली अपना सेलेक्ट कर लेता है, तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि एक्स एन आप कैसे पा जाओ और जितना एक्यूरेटली एक्स एन की वैल्यू मिलेगी उतना ही प्रिसाइज और मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन में आपका करेक्ट आंसर आएगा। सो आइए एक एग्जांपल के उसमें देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक्स एन को पाने के लिए, ये जो एक्स एन है इसे पाने के लिए आपको इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको जानना होगा आंसर। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप समझ लो एक्स एन आपको मिल गया। मैं बताता हूँ कैसे। सो वी विल टेक एन एग्जांपल। तो हम यहाँ से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स। ये हमारा एग्जांपल है ई पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले आंसर पता कर लेते हैं। तो आंसर से मैं बता दूंगा आपको कि एक्स एन कैसे मिल जाता है। तो इसका आंसर पाने के लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पहले खोलेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ एफ एक्स 100 ms। सो ये है एफ एक्स 100 ms डिजिटल कैलकुलेटर। इसमें बताऊँगा आपको कि उसका आंसर आपको कैसे पाना है। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को एज इट इज़ इसमें लिख दीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स। सो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है कि ई पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स। अब इसका मुझे चाहिए आंसर। सो प्रेस शिफ्ट कैलसी 2 times और अभी आंसर स्क्रीन पर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होता है बस। हाँ तो देखिए, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0.567143। तो मैं आपको उस बुक में दिखा देता हूँ आंसर क्या आया हुआ है। देखिए इसमें कई सारे इटरेशन हो रहे हैं, उसके बाद में फाइनल आंसर आया है 0.5671। उन्होंने 4 डेसिमल पॉइंट पे ले रखा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आया है कि x इक्वल्स टू 0.5671। 4 dB पे ही हमारा आंसर है। तो पहला प्रॉफिट तो इस मेथड से है कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता है। मेथड अगर गलत भी हो जाए तो आंसर आप सही लिख सकते हो, तो कुछ मार्क्स तो उसके बने हुए हैं। अब इसमें से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें से एक्शन क्या होता है। एक्शन इज न्यूटन रैप्सन मेथड में डेसिमल पॉइंट के बाद की सिर्फ एक डिजिट आप ले लो, वही आपका एक्शन है। दिस इज एक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इनिशियली एक्शन जो लेना होता है वो हो जाएगा 0.5। तो यही आपका एक्स एन है, इसे आप पुट करो मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन में, मैक्सिमम प्रिसाइज आंसर।